वेलकम टू मिनट साइंस, एक वीडियो सीरीज जिसमें मैं आपको एक छोटे से साइंस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ एक या दो मिनट में। जब भी हम कभी अपने कान के पास अपने हाथ को रखते हैं या फिर अपने कान के पास किसी ग्लास को, किसी कप को या फिर किसी ऐसी चीज को रखते हैं जो चारों तरफ से बंद हो, तो हमें अपने कान के पास एक अजीब सा साउंड सुनाई देने को मिलता है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो जो साउंड है वो साउंड हवा का है और वो जो आवाज हमें सुनाई दे रही है वो आवाज हवा की है, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो जो साउंड है, वो जो आवाज है, वो आवाज एटम्स की है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो आवाज हमारे ब्लड फ्लो की है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आवाज उस चीज की है। लेकिन इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अगर आपको भी वो आवाज सुननी है तो आप अभी अपने हाथ को अपने कान के पास ले जाइए और अपने कान को बंद कर दीजिए, मतलब पैक करने की कोशिश करिए अपने हाथ से। तब आपको एक आवाज सुनाई देगी और वो आवाज सुन के आपको लगेगा कि वो आवाज हवा की है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में और इस चीज का हम एक्चुअल आंसर जानेंगे कि वो आवाज किस चीज की होती है। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं द लॉजिकल टॉक यूट्यूब। तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी आवाजें रहती हैं, बहुत सारे साउंड रहते हैं। उनमें से कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनको हम नॉर्मली सुन सकते हैं और कुछ आवाजें ऐसे होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। अब कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो मैग्नीट्यूड में बहुत कम होती हैं, जिनको हम नॉर्मली नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन आवाजों को सुनना होता है तो हमें उन आवाजों को एम्पलीफाई करना होता है। अब अगर हमें कभी किसी भी आवाज को एम्पलीफाई करना होता है तो हम उस आवाज को नॉर्मली एक इको चैम्बर की मदद से एम्पलीफाई करते हैं। कोई भी आवाज जब किसी इको चैम्बर में जाती है तो वो आवाज उस इको चैम्बर के वॉल्स में टकराती है और कई बार आती है एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होकर। इससे होता क्या है, एक ही आवाज कई सारी आवाजों में कन्वर्ट हो जाती है और वो आवाज एम्पलीफाई हो जाती है, जिससे वो आवाज हम सुन सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम कभी अपने हाथ को अपने कान के पास ले जाते हैं या किसी भी कप को अपने कान के पास ले जाते हैं या किसी ग्लास को अपने कान के पास ले जाते हैं, तो वो एक इको चैम्बर की तरह काम करता है और ऐसी आवाजें जो मैग्नीट्यूड में बहुत कम होती हैं, जिनको हम नॉर्मली नहीं सुन सकते या इग्नोर कर देते हैं, वो आवाजें एम्पलीफाई होकर हमें सुनाई देती हैं। और यही सिंपल सा लॉजिक होता है, ये जो अजीब सी आवाज हमें सुनाई देती है जब भी हम अपने हाथ को अपने कान के पास ले जाते हैं। तो अगर आपको ये पता था तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको जानना है कि क्या होता अगर जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होता तो ऊपर वाली वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है क्या होता अगर हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन डबल हो जाए तो आप नीचे वाली वीडियो को देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।